नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। हिंदू समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील पर जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ भड़ास निकाला। कुशीनगर जनपद तमकुहीरा शिव मंदिर पर हिंदू समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला। उन्नाव और कठुआ में हुए गैंगरेप को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोड पर धरना प्रदर्शन किया। देश में हो रहे अपराधों पर जल्द से जल्द सरकार अंकुश लगाने का काम करे, नहीं तो पूरे देश में हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के विधायक एक देश के बेटी के साथ गैंगरेप करने के बाद भी अब तक बचा हुआ है। बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को फांसी देने का काम करे सरकार। आए दिन हो रहे दुष्कर्म को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तहसील गेट पर भाजपा मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सरकार तेरी करना चाहिए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिना तगड़िया कमलेश तिवारी, जिंदाबाद। बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमने ज्ञापन सौंपा है उन्नाव प्रकरण को लेके, कि जिसमें हमारी परिवार की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया गया और उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और उनके परिवार को जबरन उठा के थाने के अंदर हौलाद के अंदर डाल दिया गया और उस परिवार के पीड़िता परिवार के पिता उस थाने में दम तोड़ दिए। मैं निंदा करता हूं सरकार को, प्रदेश में बैठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का निंदा करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से। हम लोग देखिए सर मानी चाहिए जो 70 साल इस देश पे राज किया हो, ये सब बयान आती है। या तो उसे हिंदू प्रेम नहीं है या तो हिंदू हित में कहीं ना कहीं उसके अंदर अल्पसंख्यक जगह हुआ है। वैसे व्यक्तियों को भारत में जगह नहीं है, वैसे व्यक्तियों को पाकिस्तान में जगह है।